हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीता क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। कुछ बातों से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि यूट्यूब चैनल पे हमारे कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ उन्होंने चैनल बना लिया है, एक भी वीडियो नहीं अपलोड हुआ, एक भी कंटेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी वो दूसरों की बुराई करने पर लगे रहते हैं। पता नहीं क्यों फ्रेंड्स ऐसा करते हैं वो लोग। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब बातें फ्रेंड्स, और मैं नहीं चाहती थी इस पर वीडियो बनाना, मगर मजबूर कर देते हैं लोग तो बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। मेरी तबीयत जैसे कि आप समझ रहे ठीक नहीं चल रही थी, मगर फिर भी मैंने कहा थोड़ी सी हिम्मत करके मैं आती हूँ। तो ये हैं आरती मौर्य जी, जिनका स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है। इनके चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है और उनके मात्र 20 सब्सक्राइबर हैं। और मैंने प्रियादीप के सपोर्ट में जो वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि जो उनके बेटे के बर्थडे की पार्टी के बारे में लोगों ने कहा और फिर कहा कि ये झूठ बोल रही हैं और कर रही हैं, जिस प्रियादी बहुत रोई थी जब उनका वीडियो एक डिलीट करवा दिया गया था उसकी रिपोर्ट कर करके, तो उसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँगी। मैंने उनके सपोर्ट में बनाया तो उसने मुझे मेरे पे कमेंट करके कहा कि आप ये क्या गलत लैंग्वेज बोली, मैं अपने मुझसे ऐसी लैंग्वेज बोलती भी नहीं, ये क्या कर रही हैं, क्यों उनका सपोर्ट कर रही हैं, वो झूठ हैं, लॉयन है जो उनके साथ हुआ, अच्छा हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आरती मौर्य जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप अपने कोई ऐसी काबिलियत पैदा कीजिए या आपके अंदर जो हुनर है या कुछ भी है, आप अपने वीडियोज़ बनाइए, अच्छे अच्छे कंटेंट दीजिए पब्लिक को, तो वो आपको देखे और आपको नेम एंड फेम मिले, उससे आपका नाम भी बढ़ेगा, आपका फेम भी होगा और आपको अर्न भी होगा, लोग आपको पहचानेंगे आपके अपनी असली व्यक्तित्व से और आपके अपने कुछ प्लस पॉइंट से, ना कि मेरी बुराई करने से या प्रियादीप की बुराई करने से या किसी भी अन्य यूट्यूबर की बुराई करने से। तो बस, और मैं एक लॉयर हूँ तो आप थोड़ा सा डिसेंट तरीके से बात करिए, किसी के भी लिए, मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करिए और किसी की तरक्की से जलिए नहीं। आप अपने में वो एफर्ट पैदा करिए, भगवान की पूजा पाठ करिए, भगवान आपको शक्ति देते हैं। अपने आसपास अच्छे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को रखिए जिससे आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिले, पॉजिटिव सोच मिले, और जब पॉजिटिव सोच आपको मिलेगी तभी आप कुछ पॉजिटिव वर्क कर पाएंगे, जैसे बजाय कि ये निगेटिव वर्क के, जैसे कि आपने मुझे कमेंट्स किए निगेटिव, वैसे ही किसी को और को ना कमेंट करें और किसी को भी ना कहें। ओके, बस आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और मैं आपको सदा वेल प्रूव्ड ही चीज़ें दिखाती हूँ, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, लीगल फील्ड से जुड़ी हूँ, मैं कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दिखाती हूँ। जहाँ पर मैं खुद मौजूद थी, खुद जो चीज़ मैंने देखी परखी है, उसको ही मैं आगे ओपन करती हूँ, ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं कहते। इसलिए अगली बार कुछ भी कहने से पहले आप दो बार सोचिएगा, नहीं तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूँगी, कोई भी एक्शन ले सकती हूँ, फायर करा सकती हूँ, रिपोर्ट कर सकती हूँ, ठीक है? तो इसलिए किसी के लिए भी अपने शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल करिए। बाय, लव यू ऑल।